कभी बहू कभी सास कभी बहू। अब धीरे धीरे आंखें खोलो, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता। अरे सब चले गए, कोई नहीं है। अरे कहाँ, ओ बिना बताए चले गए। अरे नाश्ता अभी तक क्यों नहीं तैयार हुआ? अभी तक नाश्ता नहीं बना। अरे तुम्हें पता है ना कि सुबह सुबह योगा करने के बाद मैं नाश्ता करता हूँ। अभी वही पूछ रही हूँ ना मैं हेमा को। हेमा क्या हेमा, प्रातः काल में आप धाड़ क्यों, मेरा मतलब आप चिल्ला क्यों रही है? नाश्ता क्यों नहीं अभी तक तैयार हुआ? नाश्ता नहीं तैयार है ना, इसका मतलब वो काजल के बच्चे भी उठी नहीं। नाश्ता बनाने की जिम्मेदारी बहू की होती है, वो भी बहू है, वो जवान है, मैं क्या बुढ़ी हूँ? एक बात बता, तू हमेशा अपनी बहू से क्यों कंपेयर करती है? तो आप अपनी बहू की तलबदारी क्यों करती हैं? आज का मौसम कितना सुहावना है, नहीं डैडी? हे माँ, शालिनी के रिमाइंडर्स पर रिमाइंडर्स आ रहे हैं, अभी तक उसका ड्रेस तैयार नहीं किया तुमने, व्हाट इज दिस? पूछो इसे, पूछो इसे। अपनी बहू से करवा लो जिसको तुम लोगों ने सर पे चढ़ा रखा है। मैंने? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मम्मी सुबह सुबह इतना बड़बड़ा क्यों रही है? तुम इस घर की बहू हो या रानी पद्मावती? पागल जैसी बातें कर रही हो बब्बू। पागल? यू आर दैट, उसने मुझे अब घमासान युद्ध की संभावना है। मुझे भूख लगी है मम्मी जी, दिस इज टू मच, ये उसका उठने का टाइम है क्या? हाँ तो आपके बेटे ने उठने नहीं दिया था ना। तो क्या काजल, ये कोई मम्मी को बताने की बात है डार्लिंग? मोहित कम यहाँ। यस मम्मा। देखो कान खोल के सुन लो, कल से काजल लेट नहीं उठेगी, नॉट एक्सेप्टेबल। व्हाट इज दिस, घर की सारी जिम्मेदारी मेरी है क्या? अरे हम लोग क्या है ना, हम लोग रात को सोते हैं ना, तो सोने का टाइम ब्रश करते वक्त मुंह से नहीं बोलते। काजल जाओ किचन में जाके सो जाओ, नाश्ता बनाओ। नाश्ता मैंने तो अभी ब्रश भी नहीं किया। जाओ 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 फ्रेश हो जाओ। नहीं नहीं प्लीज उसे मत दीजिए, वहाँ जाके फिर से सोने वाली है ये। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं पक्का नहीं सोऊंगी, फ्रेश होके आऊंगी। मम्मी जी आप लोगों ने इस लड़की को ना एकदम सर पे चढ़ा रखा है। उस जमाने में तू भी मेरे सर पर चढ़कर बैठी थी। हाँ मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। क्या ठीक कह रही है? तुम्हें याद नहीं है शादी के बाद तुम्हें डैडी मम्मी से बचाने के लिए मैं नाश्ता बनाया करता था? नहीं हाँ, उस वक्त तुम्हारी मम्मी को हमेशा पेट की बीमारी हुआ करती थी। तो लगता है अब नाश्ता मुझे ही बनाना पड़ेगा। नहीं नहीं मम्मी जी यू रिलैक्स, मैं देख के आती हूँ वो महारानी कर क्या रही है। अरे लेकिन ये हेमा वीरू पता था ये महारानी सो जाएगी। हो गया ब्रश? मैं गई थी ब्रश करने लेकिन मोहित ब्रश कर रहा है ना बाथरूम में। मोहित ब्रश कर रहा है, देखती हूँ। ओह माय गॉड, व्हाट इज दिस मोहित, व्हाट इज दिस, तुम पानी कितना वेस्ट कर रहे हो? हाँ टैप खुला क्यों है? सॉरी मामा। व्हाट सॉरी, तुझे मालूम है गांव घेरे में लोग पीने के पानी के लिए तरसते और तू इतना पानी वेस्ट कर रहा है। सॉरी। टू मच टू मच। काजल तुम्हें अलग से कहना पड़ेगा कि पानी वेस्ट मत करो। मत करो, सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या कह रही हूँ? नल बंद करो। मम्मी जी ये क्या सुबह सुबह पानी पानी कर रही हैं आप? ए भगवान, कभी सास कभी बहू, कभी साहू कभी सास कभी बहू। वीरू प्लीज
जोर से चिल्लाती हो, बाप रे बाप। थैंक गॉड मेरे हाथ में उस्तरा नहीं था, वरना मेरा गला कट चुका होता अभी तक। समझा लो अपनी बहू को, वरना गले से पहले ना तुम्हारी नाक कटवा देगी वो। क्यों 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 क्यों, क्या किया उसने? सोसाइटी से सर्कुलर आया है, पानी की किल्लत है, जरा आराम से इस्तेमाल करो, और तुम्हारी बहू है कि वेस्ट किए जा रही है। क्या कह रही हो तुम है? और नहीं तो क्या, बिल्कुल सही कह रही हूँ, मेरे डांटने के बावजूद और पानी वेस्ट करती रही, इसीलिए वो वेस्ट करती रही। डांटने की क्या जरूरत थी उसको, स्कूल जाती हुई बच्ची है क्या? स्कूल जाती हुई बच्ची उससे ज्यादा समझदार होती है। तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता नहीं। What? मजाक कर रहा था भाई, मजाक भी नहीं समझती हो, सेंस ऑफ ह्यूमर भी सूख गया क्या तुम्हारा? वहाँ भी पानी की किल्लत है क्या? इस तरह से घटिया मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तो तुम्हें किस तरह के घटिया मजाक पसंद है डार्लिंग? Give me a break, डार्लिंग वालिंग बंद करो और उससे बात करो, अपनी बहू से समझाओ उसे किस तरह से वेस्ट करना ठीक नहीं है। मैं शक्ल से थोड़ा बेवकूफ लगता होऊंगा लेकिन हूँ नहीं। सास और बहू के बीच में मैं नहीं पढ़ने वाला हूँ, तुम्हारा मामला है, तुम ही सल्टो, मैं चला नहाने। नहीं समझाओ, तुम तो कभी मेरे काम नहीं आए। ठीक है तो मैं ही उसे समझाती हूँ अपनी तरीके से। और जल्दी शादी कर ली मैंने, by God। मम्मी जी नाश्ता। क्या मम्मी जी कर रही हो? ये पढ़ा ना, ये ना श्वेता, अब सब भी मैं करूँ क्या? कोई जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगी। ठीक है फिर, और चाय दे तो। अभी तो तुमने कहा था सर्व करने की जरूरत नहीं है। वो तो सैंडविच के लिए बोला था, चाय तो दो। अच्छा तो चाय के लिए अलग इंस्ट्रक्शन। उल्टे कप में कैसे डालू? खत्म हो गई शायद। क्या है मम्मी तुम्हारी, एक कप चाय भी नहीं छोड़ी मेरे लिए, और सैंडविच में मेरे लिए आग निकल रही है मेरे मुंह से। अच्छा कभी जल तो रहा है यहाँ पर। पकड़ पकड़ मत करो, पानी लेकर आओ मेरे लिए किचन से। अरे मोहित भाई खड़े खड़े क्या कर रहे हो, पानी लाओ जल्दी से। पानी होगा तो लेके आऊंगा ना, ये खाली बोतलें किसने रख दी ठंडी होने के लिए? क्या पानी नहीं है? हाय रब पानी। दादी माँ, दादी माँ। ओ क्यों चिल्ला रही है बेटा? दादी माँ देखिए मुझे मिर्च लग रही है, फ्रिज में एक भी बोतल नहीं है पानी की। अरे तो फिर मैं क्या, फ्रिज में पानी भर के रखने का काम मेरा नहीं है। वो देखिए ना, मम्मी जी ने एक भी कप नहीं छोड़ा मेरे लिए चाय पीने के लिए। अरे मुझे लगा तेरा चाय नाश्ता हो गया, बच्ची को सारी चाय मैंने पी ली, एक कप चाय बनाओ क्या? बिना दूध के चाय कैसे बनेगी दादी माँ? क्यों क्या हुआ? दूध तो खत्म हो चुका है। नुक्कड़ से एक बोतल ले आ। ओहो रहने दीजिए, मैं बाथरूम जाती हूँ और चाय का इंतजार करूंगी तो ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगी। वो हेमा की बच्ची को जरा समझा, खामखा काजल को परेशान करती रहती है। अब कौन किसे परेशान करता है, इस सवाल का जवाब तो आने वाली सरकार भी नहीं दे सकती। कहीं ये मुझे तो नहीं बोलना है? एक दिन ऐसा सबक सिखाऊंगी कि सब समझ में आ जाए। काजल क्या बड़बड़ कर रही हो? तुम्हारी मम्मी ना जानबूझ कर मुझे परेशान कर रही है, जानबूझ कर। आज फिर दो लोकल ट्रेनें आमने सामने से टकराई। समझा दो अपनी मम्मी को, अच्छी तरह से समझा दो, ये जो ज्यादती है ना मैं ज्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं करूंगी। हाँ आतंकवादी गतिविधियों से सरकार परेशान, अगर उनका ये बिहेवियर नहीं बदलेगा ना मोहित, तो मैं हमेशा हमेशा के लिए शांति हो। क्या नहीं डार्लिंग, नया सीरियल आने वाला है टीवी पर। जान मत बनो, मैं बता रही हूँ तुम्हें, मैं एक मॉडर्न लड़की हूँ और अपने अधिकार ना अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं मौसम की जानकारी गरज के साथ ओले पड़ेंगे। समाचार समा, नमस्कार। तुम अपनी मम्मी पर गए हो तुम। हाँ दरवाजा धीरे बंद करो, टूट गया तो फिर नहाते नहाते गाना गाना पड़ेगा। सुबह सुबह भगवान ही क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या कर रहे हो तुम? ये क्या क्या डिजाइन बना कर आएगा? अच्छा
नहीं चला क्या मोहित? ना वो कैसे? कहाँ गया? अभी तो वहीं था। इसकी शक्ल देख के उठी हूँ आज मैं सुबह सुबह। भाई मैंने तो पहले ही कहा था, बेड के सामने आईना मत लगवाओ। Shut up, you just shut up! धीरे बोलो यार, अंदर चला जाएगा झाग पूरा। अरे सामने दुखड़ा रोना खराब है, मेरे भगवान कैसा पति दिया है मुझे। कभी सास कभी बहू, कभी सास कभी बहू। दादी माँ, दादी माँ। अरे हाय हाय, तेरे मुंह से झाग क्यों निकला है? बेहोश हो गई थी क्या? अरे क्यों जल्दी, मुझे नहाने को नहीं मिला ना तो मैं जरूर बेहोश हो जाऊंगी। क्यों, क्या हुआ बेटा? मेरे बाथरूम का पानी चला गया। टेंशन क्यों लेती है? हमारे बाथरूम में जाकर नहा लो ना। थैंक यू दादी माँ, थैंक यू। दूर दूर दूर। ओके। अरे सुन सुन, अंदर तेरे दादाजी नहा रहे हैं। पानी से नहाना चाहिए। लेकिन तुझे ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तेरे दादाजी को बस ये दो ही लाइनें आती हैं। इसीलिए स्नान के आखिरी हिस्से में यही दो लाइनें गुनगुनाते हैं वो। गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। तानसेन जी अब बाहर निकलिए। कोई बात नहीं, मैं जब तक मैं ऑफिस फोन कर देती हूँ। बॉस को। ओहो, हेलो ऑपरेटर, मैं काजल बोल रही हूँ, जरा बॉस का फोन देना। हाँ आज मैं ऑफिस लेट आने वाली हूँ। फोन पकड़िए, बॉस होंगे फोन फोन से बोल। अरे मैं ऑफिस लेट आ गया आज। हेलो, हेलो, मैं काजल की दादी सासू माँ बोल रही हूँ। सुनिए सुनिए, हैं क्या बात है दादी माँ? किससे बात कर रही? काजल के बॉस से। अच्छा, क्या कह रहा था? तुम्हारी आवाज कितनी मीठी है, तुम ऑफिस नहीं आती तो पूरा ऑफिस कैसे सुना सुना लगता है। मैंने कहा मैं काजल की दादी सासू माँ बोल रही हूँ, फोन ही कट कर दिया उसने। बेचारा। एक बात बता, ये बॉस लोग ऑफिस में अपने स्टाफ के साथ ऐसी बातें करते है क्या? ऑलमोस्ट ऐसे ही करते है। हाँ? तुम कौन हो ऑफिस में? बॉस। क्या हुआ? आपके बाथरूम का पानी चला गया। हाय, ऐसे कैसे हो सकता है? मोहित, मैं क्या करूं अब? ये झाग पोंछ लो, वैसे तो तुम इसके साथ भी काफी हॉट लग रही हो, लेकिन फिर मैं ऑफिस कैसे जाऊंगी मोहित? चली जाओ ना, वहां जाकर नहीं नहा सकती क्या? ओहो, शट अप। मैं टॉवल लेकर आता हूँ। दूर दूर। दादी माँ, कि ये सब नाटक मम्मी जी का तो नहीं है मुझे परेशान करने के लिए? हेलो जी सर, सर मैं ये कह रही थी कि आज मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगी जी, कोई पर्सनल रीजन है सर। नहीं सर, सर सीरियसली, मैं मजाक कैसे सर, पर्सनल रीजन है सर जी। हाँ सर, मैं कल जल्दी आ जाऊंगी सर ना। ओके बाय सर। पता है सोसाइटी से नोटिस आई है, पानी की बहुत शॉर्टेज है। ओ, इसीलिए भाजी सूखी बनाई है तुमने? पानी की इतनी कमी है कि दाल भी चावल की तरह ड्राई बनाई गई है, और ये देखो खीर भी सूखी है। खीर तो छोड़ दो, छाछ देखो कितनी ड्राई है। क्योंकि ये छाछ नहीं, दही। बहुत जोर से भूख लग रही है मुझे, लेकिन पहले पानी पियूंगी। सुबह से एक घुट नहीं पिया पहले पानी का। एंड खाली या प्लीज प्लीज सबको पानी दे दो। हाँ मम्मी मम्मी, एक मिनट बेटा, मिल रहा है मिल रहा है, सबको मिलेगा। ये क्या, मेरी बारी आने तक पानी खत्म? लगता है पानी को तुमसे दुश्मनी है। दुश्मनी? माय फुट। इट्स माय फुट। डैडी जी, मम्मी जी ना आज सुबह से मुझे जानबूझकर परेशान कर रही हैं। व्हाट नॉनसेंस। अरे मैं तुम्हें परेशान करने क्यों लगी? हाँ? इतने सारे ग्लासेस पड़े, कोई भी उठा के पी लो। हाँ? हाँ। लो पी लो भाई। नहीं चाहिए मुझे। मेरा पानी भी गिरा दिया। ओ गॉड, कोई बात नहीं बेटा, मैं तेरे लिए दूसरा पानी लेके आती हूँ। कहाँ से? नुक्कड़ से।
रुककर सर, घर में एक बूंद पानी नहीं है। अरे बैठो ना, पानी नहीं है तो क्या हुआ, खाना तो खा के जाओ। नहीं खाना, मुझे कुछ नहीं खाना। अरे यहाँ भी पानी नहीं आ रहा। मम्मी जी, दादी माँ, वो क्यों चिल्ला रही है? देखिए ना मम्मी जी, यहाँ पर भी पानी नहीं आ रहा, अब मैं हाथ कैसे साफ करूं? ऐसे ऐसे कैसे? कभी सास कभी बहू, कभी सास कभी बहू। क्या बात है, आज बड़ी खुश नजर आ रही हो। तुमको मैं खुश नजर आ रही हूँ मोहित? खुश नहीं हो क्या? अरे सुबह से एक बूंद पानी का नहीं मिला मुझे पीने के लिए, और तुम कह रहे हो तुम आज खुश नहीं हो? याद आया, तुम्हारे लिए पानी मंगवाया मैंने। क्या कह रहे हो तुम मोहित? हाँ, अपने यहाँ जो नुक्कड़ पे दुकान है ना, उससे 5 लीटर का प्योर वाटर वाला कैन मैंने तुम्हारे लिए मंगाया। और तुम्हें पता है तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी है कि वो उस दुकान पर आखिरी कैन था। मोहित, काजल, कितने अच्छे हो मोहित। काजल, क्या हुआ डार्लिंग, तूने मुंह क्यों फेर लिया? तुम आज नहाई थी क्या? क्यों? और ब्रश क्यों? खाना खाने के बाद हाथ मुंह वगैरह कुछ धोया तो? तुम क्यों पूछ रहे हो मुझसे ये सब? तुम अच्छी तरह से जानते हो ना कि तुम्हारी मम्मी ने आज मुझे पानी देखने का मौका नहीं दिया। तभी क्या? तभी तुम्हारा जो ये खूबसूरत बदन है, उसके हर एक अंग में से अलग अलग खुशबू आ रही है। बालों से साबुन, मुंह से पेस्ट, कपड़ों से पसीना, हाथों से अचार, एक हसीना बदबू चार। कैसे हो तुम, कैसे पति हो तुम? अपनी बीवी का मजाक उड़ा रहे, शर्म नहीं आती तुमको? अरे मुझे मारने में टाइम वेस्ट करोगी तो वो कैन भी यूज हो जाएगा। तुम कितने अच्छे हो, और मैं बताऊंगी तुम्हें तो मैं ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, ना आए ना आए पानी चाहिए। मम्मी जी, मोहित ने 5 लीटर का प्योर वाटर कैन मंगवाया था, राइट? राइट। हाँ तो कहाँ है? अरे यही तो था। चंदा जी, मैम साहब, जब भी पानी का कैन रखा था कहाँ गया वो? ये रहा। पानी का है कैन का? वो पानी हमने बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल कर लिया मैम साहब। मम्मी जी, पीने के पानी से आपने बर्तन साफ करवा दिए? मैंने थोड़ी किया। अरे क्यों चंदा, मैंने तुझे बोला इस पानी से बर्तन साफ कर, बोला तो क्या कर दी मैम साहब, बर्तन धोने के लिए दूसरा पानी था क्या? तेरी तो। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो तुम? देखिए डैडी जी, मम्मी सुबह से हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ी हुई है। What is this? घर में एक बूंद पानी नहीं है और ये कह रही है कि हाथ धोकर मैं पीछे पड़ी हूँ। हो गया ना मम्मी जी, बस खत्म कीजिए अब। I'm sorry, क्षमा कर दीजिए मुझे। क्षमा मुझसे, ये पानी नाम की जो बेशकीमती तत्व है ना, इससे क्षमा मांगो जो दिन रात तुम वेस्ट करती रहती हो। जाने दो, माफ कर दो, बच्चे ये बम्बई के बच्चे है ना, पानी का जरा भी इम्पोर्टेंस नहीं समझते। जाओ जरा बॉम्बे से बाहर और देखो गाँव में कैसी औरतें 10-10 कोस चलती है थोड़े से पानी के लिए। कड़कती धूप, नीचे तपती जमीन और सर पे भारी भारी गगरिया भर के वो पानी लाती है। कितनी बेचारी स्ट्रगल करती है, और तुम जैसे बच्चे सब वेस्ट करते हो पानी। नो बेटा, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी मम्मा। आई एम सॉरी काजल, तुम्हारी सॉरी से कुछ नहीं होगा। पानी से वंचित उन औरतों का दर्द तुम्हें समझना होगा। वो कैसे? वो कैसे? वो कैसे? वो ऐसे, एक्सक्यूज मी, नो प्रॉब्लम। कहाँ जा रहे हैं आप? पेशेंस वीरू, पेशेंस। खड़ा, दैट्स राइट। काजल, खड़ा देख रही हूँ। हाँ? सामने नुक्कड़ में जाओ, वहाँ म्युनिसिपैलिटी के नल में से 5 घड़े पानी भर के लाओ। 5
नो प्रॉब्लम बेटा, जाओ जाओ जाओ, भर के लाओ, भारत की नारी हो। रिलैक्स, नो प्रॉब्लम, आई एम डूइंग योर जॉब। आई मम्मी, ओहो, ये सब दिन क्या कमर लटके मोरी भारी गगरिया, कमर लटके मोरे भारी गगरिया, कमर लटके मोरे भारी गगरिया। क्या मटे करो सबके साथ, मैं हेल्प करूँ ना इसको नीचे रखने में। काजल बेटा, कितने नंबर का घड़ा है? इतने में कमर लचक गई तुम्हारी। वैसे मम्मी जी, आज ना मुझे पहली बार ऐसा महसूस हुआ है कि गांव खेड़े की औरतों को पानी के लिए कितना कष्ट उठाना पड़ता है ना? वैसे मेरी आंखें खोलने के लिए थैंक यू। इट्स ओके बेटा, चल मोहित इसे जरा पानी तो पिला। हाँ, पानी पिला दो मुझे। अरे पानी पानी वेस्ट मत करो, मेरी सारी मेहनत और पानी पिलेगा। ओह माय गॉड, तो आज आया है ऊंच पहाड़ के नीचे। पहाड़ के नहीं, घड़े के नीचे।